Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutorpedia। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज की सबसे बड़ी न्यूज़ के साथ, जो कि है कि RPSC ने, दैट इज राजस्थान पब्लिक कमीशन ने, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इस 2023 का एग्जाम है उसका सिलेबस रिलीज कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम होम पेज के ऊपर है आरपीएससी के, और इसी का जो फर्स्ट आपके पास है, मैं इसको ओपन करके दिखा देती हूँ आपको। इसका जो फर्स्ट पेज है हमारे पास, एक मिनट, ये ओपन हो रहा है। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं कि ये जो है प्रेस नोट रिगार्डिंग सिलेबस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर है ना। इसके अंदर हम देखेंगे, ये नोटिफिकेशन जारी हुई है जिसके अंदर ये दिया गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, और ये डेट देख सकते हैं आप 21/07/2023, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2023 का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया गया है। ठीक है, और ये आपको इस तरीके से उपलब्ध है। ठीक है, तो ये तो हुई आपके प्रेस नोट की बात। उसके बाद मैं आपको ये भी दिखाना चाहती हूँ कि आपका जो EFM का, हम स्पेशली EFM की बात करेंगे आज, कि EFM का जो सिलेबस है वो क्या होगा आपके पास। ठीक है, जनरल का जो पेपर है वो तो आप लोगों ने जरूर देखा ही देखा होगा। हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं कि EFM के पेपर 1 और 2 के अंदर आपको क्या मिलेगा देखने को। ठीक है, और हम अपनी जल्दी से जल्दी सीरीज लेके आएंगे EFM के लिए, और सारे टॉपिक मैं आपको कवर करवाऊंगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर 1 के अंदर आपके पास यूनिट्स जो है कितनी है। पहली बात तो हमारे पास जो टोटल यूनिट्स देखने को मिल रही है वो हमारी 5 है। ठीक है, 5 में से सबसे पहला जो यूनिट है वो है अबाउट थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ, जो कि बेसिक इकोनॉमिक्स के ऊपर है, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें करनी है। फिर है इंडियन इकोनॉमी, ये इंडियन इकोनॉमी आ गया आपके पास। पब्लिक फाइनेंस आ जाता है इसके अंदर। फिर है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, फिर है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। इसमें आप देख सकते हैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, मैक्सिमम मार्क्स 75 होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होंगे, 3 घंटे का ये पेपर होगा, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा पेपर, और सारे के सारे क्वेश्चन सेम जो है कैरी करेंगे। राइट, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि 75 × 2, राइट, मतलब डिवाइड कर दीजिए इसको 0.5 में, आपको देखने को मिल सकते हैं कि मार्किंग होगी यहाँ पे आपके पास। राइट, तो ये तो था पेपर नंबर 1 आपके पास। दूसरे पेपर की बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि है ये वाला आपके पास EFM पेपर 2। EFM पेपर 2 में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, पेपर नंबर 2 के अंदर आपको वही 5 पार्ट मिलेंगे, लेकिन इसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल फाइनेंस एंड फॉरेन एक्सचेंजेस, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। और मैं आपको स्पेशली बता दूं कि बच्चों को ये जो 2 है, कैंडिडेट्स को ये जो 2 यूनिट्स है, क्वांटिटेटिव टेक्निक और FM, इसके अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। इसीलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉमर्स ट्यूटोपीडिया के आपको चैनल के ऊपर सबसे पहले इन्हीं की ही जो क्लासेस हैं वो देखने को मिलेगी। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कॉमर्स ट्यूटोपीडिया। और इसमें भी पैटर्न हमारा सेम ही है एकदम बिल्कुल, लेकिन इसमें बहुत सारा सिलेबस है। ये देखने में अभी आपको एक एक लाइनर लग रहे होंगे, ये सारे चैप्टर्स हैं जो हमने पूरे बीकॉम, एमकॉम, 11th 12th सब कुछ में पढ़ा है, नेट के अंदर आया हुआ। तो ये बहुत ही वास्ट सिलेबस है, जो कि आपको, आप मान लीजिएगा कि 1-1.5 महीने में कंप्लीट करना है, फिर आपको रिवीजन भी करना है, और जनरल पेपर आप लोग जानते ही होंगे कि आपका राजस्थान GK भी कंप्लीट करना है। तो इट इज नॉट अ छोटा सिलेबस। राजस्थान GK का भी चलिए देख ही लेते हैं हम लोग सिलेबस। राजस्थान GK में आपको बहुत सारा सिलेबस देखने को मिलेगा, हिस्ट्री, आर्ट, लिटरेचर, हेरिटेज ऑफ राजस्थान, जिसमें आपको ये सारे के सारे कंप्लीट करने हैं। बहुत सारा सिलेबस है इसके अंदर। ठीक है, और
ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ राजस्थान, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। बस कॉमर्स के ईएफएम के बच्चों के लिए ये ज़्यादा एक अच्छी न्यूज़ होती है कि इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, और एक फर्स्ट ये तो हो गया राजस्थान की इकोनॉमी, आपके पास एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी है। आपने अगर देखा होगा पेपर नंबर 1 के अंदर 5th यूनिट यही है आपके पास, तो यहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है उस चीज़ के अंदर, राइट। तो ये था गाइज आज का बिग अपडेट। आई होप हम लोग इसको जल्दी ही कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे आगे कि हमें कैसे करना है, राइट। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मस्ट्यूपीडिया। थैंक यू।